नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में फ़ाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऐसे बॉडीज होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किया गया है देख लेते हैं देखिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू एट्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वेश्चन जुडिशियल बॉडी इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फिफ्थ ईयर आर एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी सो आर्टिकल टू एट्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर अ फाइनेंस कमीशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और क्वैसी जुडिशियल बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फिफ्थ ईयर आर एट सच अर्लियर इंटरवल एज द प्रेसिडेंट थिंग्स फिट ये याद रखिए द प्रे फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन का और फोर अदर मेंबर्स इसमें एक चेयरमैन होता है और चार अदर मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दे होल्ड ऑफिस फॉर सच अ पीरियड एड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिस ऑर्डर दे आर इलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ये आपको याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और फोर मेम्बर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और दे आर इलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ओके देखते हैं यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी क्या है मेंबर्स की और चेयरमैन की जो चेयरमैन है दे ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर चेयरमैन को ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस हो और चार अदर मेंबर्स की क्या एलिजिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं अ जज ऑफ हाई कोर्ट आर वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन मतलब एक जज होना चाहिए हाई कोर्ट का या फिर वो क्वालिफाई हो एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट अ पर्सन हु हैज़ स्पेशाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स तो जैसा कि हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और चार अदर मेंबर्स होते हैं तो जो चेयरमैन होता है वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस हो और चार पर्सन कौन से हो सकते हैं अ जज ऑफ हाई कोर्ट आर वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन सेकेंड अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थर्ड अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन और कुछ देखते हैं द फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेज इट बिफोर बॉथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विथ एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन ये याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर दोनों हाउसेस के आ, आ, टेबल पर टेबल करता है ओके प्रेसिडेंट लेज इट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और इस मेमोरेंडम के साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ रखता है कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस किए थे उस पर क्या एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और ये याद रखिए कि जो रिकमेंडेशन है मेड बाय द फाइनेंस कमीशन दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देता हूं फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल टू एट्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक ऐसी जुडिशियल बॉडी है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फिफ्थ ईयर आर एट सच अर्लियर टाइम एज ही सीम एज ही डीम्स नेसेसरी ये याद रखना है फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और चार अदर मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दे आर इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और जो चेयरमैन है ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर और चार मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं जज ऑफ हाई कोर्ट आर वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट अ पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेम्बर्स की और चेयरमैन की ये याद रखना है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ले डाउन करता है बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस ये याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग